इंडिया बाजी और यहाँ सब होखेला सारा कंट्री के एम्बेसी रूल दुनिया भर में सेम होखेला। अरे उसे बोल एम्बेसी के रूल्स चेंज हो गए। ओजी एम्बेसी के रूल चेंज हो गए बा? कौन सा कंट्री के चेंज भइल बा? अबे इंडियन एम्बेसी और कौन एम्बेसी? अबे इंडियन एम्बेसी और कौन सा एम्बेसी? अबे खोजू ई का तरीका बा बात करे के? का बाना ई हैप्पी बात बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो गइल बा अपना आप से। कहे आप से ई तरह से बात कर देलस? हमनी के कंट्री में ना मेहमान भगवान के तरह होखेले। आप हमनी के का लगनी मेहमान? तो हमनी सोचनी कि मेहमान के घर पे काहे बुलाए, हमनी लेवे आजाद बनी भाई मेहमान के दर्शन। हाँ जी हाँ जी, ये मतलब रहल हमार। हाँ तो मिस्टर भगवान, हमार मतलब मिस्टर किंग, आप हमनी के संगे कॉपरेट करी ना तो हमनी के मजबूरन पुलिस के बुलावे के पड़ी। हाँ जी हाँ जी। पुलिस जी? आप जैसन फॉरनर ना हमनी के आए दिन तंग करे ले, पेपर दिखावे में आनाकानी करे ले। हाँ जी। तो हमनी के पुलिस के मदद लेवे के पड़ेला जी। हाँ जी। एंड माइंड यू, हमनी के पुलिस कान्हा भगवान के नाम आने ले। वो तो फिर पुलिस वाला आपके लेके जाई है, आपके डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स चेक करवाई है, आपके इमेज इमेज खराब हो जाई, तो आप अपन इमेज का है खराब करवाई, ये पे मामला रफा दफा कर दी। और जी जब पुलिस के पता चली कि आप बहुत बड़े रैपस्टर बानी। इनका मतलब रैप? हाँ जी हाँ जी, हुए रैपस्टर बानी तो वो झूठा केस में फंसा दिया रहुआ के पैसा इठे खाती। हाँ जी, आपके कैसे पता कि हम रैप स्टाइल में गावे? हमनी ना एम्बेसी से बानी, आपके कौन सा गाना फ्लॉप भइल, कौन सा गाना हिट भइल सब जाने नीचे हम। तो इससे पहले कि पुलिस वालन के बुलाई, ले आई जी पेपर्स। ओके कम इन, हम पेपर लेके आओ। घर तो बड़ा अच्छा बना बनी आप जी। हाँ जी थैंक यू, हम ये पेपर लेके आते हैं। हाँ जी जाए जाए जाए। अच्छा सुना, हमने घर पहुंच गई बनी, ये देखा। सुनत भी बनी और देखत भी बनी, काफी अच्छा डेकोरेशन के लिए बड़ा लोग। अरे तो के घर के पड़ब यहाँ हालत खराब हो रहा बा, तू डेकोरेशन देखत बड़ा। अरे तू समझत नहीं के, वो डेकोरेशन देख के हमके प्रज्ञा की याद आवेला, वह डेकोरेट के लिए हुई आई एम श्योर। सॉरी सॉरी सॉरी। ओह नो, ये अगर अपन घर देख ले ली और पूरा वो दिशा की आवाज सुन ले ली तब पहचान ली। एक फोन उठावे से रुके के पड़ी। आयुआ। हेलो अभी, हेलो इले। कहाँ भेल? चोट लागल बा? कहाँ? कहाँ? चोट कहाँ लागल? चोट कहाँ लागल? चोट? चोट अब पैर पे लागल बा। आप रुकिए हम फोन उठा बन। ली ली अब हमरे को रायल बनी ना। हम ना तो पहले इतना बतावी थी कि कौन दिन के बाद करल बनी हम। ओ हम क्या लगा आज के बाद करा था ना आयल बनी है। हम कल रात के बाद करल बनी, आप कल घर आल बनी। कल ना तू पूछत कहे बड़ो ना। वो शायद हमके वहम भइल रहे। हमके लेके तरह कबू वहम ना भइल, आज तक जब भी भइल बा एहसास ही भइल बा। चलत बानी। सॉरी हमके लागल की तू हमेशा हमके गलत समझे। सॉरी हमने गलत नहीं।
आज हम पता लगा ही ले कि तू किंग से शादी कैले बारू की ना। एक बारी प्रूफ हो गई ना, फिर तोरा भी समझ में आ जाई कि तू सिर्फ हम मार बारू। कुछ कहनी आप? कुछ बोलनी? एक्चुअली हम ही पूछे चाहत रही कि किंग से तोहर शादी कब भेल? एनिवर्सरी पे बोला है, पता चल जाई। तहराज कोनो भी बात पे नाराज ना होगा। कहे कि आज तहर शादी के सच पता चल जाए। एक बार वो कंफर्म हो गए, फिर देखिया हम तहरा से का कर पाए। चेक कर लो भाई। हमार पासपोर्ट तो बाहर है ना अब? ना चाची जी, आपके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इंडियन माने तो हर प्रॉब्लम बा ना। वैसे हमार भी कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग रूटीन चेक करते रहे पड़े। ता मिस्टर किंग जी, आप ये बताएं कि आप शादीशुदा बानी? हमारा मतलब है कि आर यू मैरिड? और अगर शादीशुदा बानी तो कब भइल शादी, कैसे भइल शादी, सब कुछ बतावे के पड़ी। इस शादी कब भइल, केकरा से भइल, कैसे भइल, इसे आपके का लेवे देवे के बाजी? अच्छा, मान ली कि एकर शादी ना भइल बा, तत्का आप अपन बेटी से एकर शादी करवा दी है? चाची का कह रहल बानी? अरे हमके बोले दा। हाँ जी, आप आपके काले विदेवे के बाद बताई वो शादी कैसे भइल, ये कैसन सवाल बाजी? गुरुद्वारे में भइल, मंदिर में भइल, चर्च में भइल, का करे के बाप के? और जी हम वो ओ आप हमनी के सीनियर बानी ना, फिर कौन हक से आप सवाल पूछ रहल बानी हमनी से? देखी जी, एम्बेसी हमनी के रखले बाड़े सवाल जवाब करे खातिर। हाँ जी, तो अगर आपके कोनो सवाल हो के तो आप एम्बेसी में मेल डाल दी है। अगर अब भी आप हमनी के सवाल के बीच में सवाल करे के कोशिश करेंगी तो भाई हम आप पे हमनी के कार्रवाई के बीच में अड़ंगा डाले खातिर आप पे केस कर सकेंगे। आप पूछे ले ले बानी तो पेट में ना गुदगुदी सा हो रहल बाजी जवाब देवे खातिर। तक का हा? ओ जी, आप जैसन टूरिस्ट यहाँ के लड़कियन से शादी कर ले वेले जी और फिर भाग जाले। फिर का हो खेला, लड़की रह जाले बेचारी सा शादीशुदा विधवा। अब आप पूछत कि शादीशुदा विधवा कैसे भाई? तो भाई शादीशुदा का बिया, हस्बैंड इज देयर बट हस्बैंड इज नॉट देयर आल्सो। कहे कि लड़का के तो सकल देख ना सकेले, ना अपन सकल सोसाइटी के दिखा सकेले, तो भइल कि ना भइल विधवा। देखी यही खातिर हमनी के कहे के मतलब ई बा कि अगर मिस्टर किंग कोनो यहाँ के लड़की से टुंग टुंग कर लेत बाड़े तो जी यहाँ के कोनो रूल्स एंड रेगुलेशन। अरे जौन तरह आप करल बानी कि आपके शादी हो गई बा, ओ तरह बहुत लोग कहे ले जी कि हमार शादी हो गई बा। हाँ जी हाँ जी। पर असलियत में उनकर शादी तो खेला ही ना। हम सही नहीं की बोल दिशा। हमारा मतलब बाकी कोना दिशा में लेके जाए के बा लाइफ के ये देखे के पड़ेला जी हैं। हाँ जी हाँ जी। वैसे मिस्टर किंग, हमनी सुनले बानी कि आपके घर में एगो प्रज्ञा नाम के लड़की रहले। हाँ जी हाँ जी। आप एगो काम करी, ओकर भी पासपोर्ट लेके आई। वो लड़की एकर पत्नी भी है और हमार किंग दूसरे शादी करे ना आई बा। कैसन बात करल बानी आप? दिखा दो प्रज्ञा के भी पासपोर्ट, दिखा दो। लेके आए जी। हाँ जी प्लीज। बड़ा ही पीवा मुंडा बा। पानी पिला दी चाची? ओ बोल बोल के थोड़ा प्यास लग गया। हाँ जी। बस जल्दी से प्रूफ मिल जाए, इससे पहले कि पकड़ा जाए यहाँ से भागे की पड़ी। चाची रूबा ऐसा काहे कर रहल बानी? हमके ना कुछ गड़बड़ लग रहल बा। अरे ऐसन होखेले इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स? अरे शक्ल देखला इनकर। कैसन होखेले इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स? हमनी के लंदन में भी तो ऐसे ऑफिसर होखेले ना। हमके कुछ ठीक ना लग रहल बा, शक हो रहल बा हमके उन लोगन पे। टाइम पास बन गइल बा शक कइल रुआ खातिर। आईडी चेक कइले बानी हम उनका? सिर्फ आईडी चेक करे से का होखेला? तबे सिक्स सेंस नाम के कोनो चीज होखेला कि ना होखेला? हमार सिक्स सेंस काम कर रहल बिया ई वक्त। ई लोग कोनो लुटीरा उठेरा लागत बाड़े। अगर घर लूट पाट के चल गेले त और तोहार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके चल गेले त का करबा? राह चलत लोग के थोड़ी नहीं दे रहल डॉक्यूमेंट। ऑफिसर बाड़े, कहां लेके जइहे डॉक्यूमेंट? करिए का? लेकिन किंग, तू
चाची हम पहले ही उन लोग के संगे बहुत बहस कर चुकल बानी। हम चाहत बानी कि लोग जल्दी से डॉक्यूमेंट्स देखे और रफा दफा हो जाए यहाँ से। तू उन लोगों से बोला ना कि ऑफिस में आके पेपर्स दिखा दिए, अब घर पे दिखावे कि का जरूरत बा। मना तो कइले रहनी चाची, पर वो लोग कहे लगले कि पुलिस लेके आई है तो फिर मोर ट्रबल। पुलिस स्टेशन ले जाई है, वहाँ बिठा के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब वाई क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशन फॉर प्रज्ञा एंड क्यारा, राइट? कौन तरह की कॉम्प्लिकेशंस? देखिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं, हम जल्दी से जाके वो लोग के पेपर दिखावत बानी एंड लेट देम गो। पानी पिला दी। A warm welcome to everyone sitting here. As a parent, as a teacher, ये हमनी के duty बाड़े कि हमनी ये बच्चन के encourage करी। यही खातिर हमनी आज यहाँ इकट्ठा भइल बानी बच्चन के drama rehearsal खातिर। हमनी के ये बच्चन के confidence बढ़ावे के होखी, इनके morale के boost करे के होखी, ताकि वो जब दूसरा school में जाए तो वहाँ अच्छा से perform करें। प्ले रॉयल बॉय से शुरू होगी, यहाँ सब लड़की डांस करी हैं और प्रिंस आके सिंड्रेला के प्रपोज करी। का तू हमरा साथ डांस कर पा? का तू हमरा साथ डांस कर पा? हमरा साथ डांस करबू? हमके ढूंढत रहलू, याद बाज कौन दिन बा? शायद इसे याद आ जाए। इट इज सो सिंपल फॉर यू आर, लाखों लिखी लोग मरे ली तोरा पे, करोड़ लेकी खून से चिट्ठी लिखी ली तोरा पे, एक बार तू जगरा पे स्माइल कर दे उले की तोरा प्यार में पागल हो जाली और तोरा के चश्मे से प्यार भइल बा। बस जाके बोल देना उनका करे के बा, बाहर मौसम अच्छा बा, अंदर रूम डेकोरेटेड बा और अंदर मूड बनल बा। बोल दो के जोन बोले के बा। और देखिए कबिल, चाय बनावे के रहे? चाय बनावे के रहे तो किचन में चल जाई तू, यहाँ कहे लू? आपसे पूछे के रहे ना कि आप चाय पीहन? ना तो हम जाएं? हाँ पक्का जाएं? पक्का जा। का भाई ना हम के लागल की आप हमसे कुछ कहे चाहत बानी। हाँ बोले तो चाहत बानी तो कहीं रूम कैसन लागल? ब्यूटीफुल। आप डेकोरेट कहीं? हाँ ना रॉबिन के लिए बा, पता ना का है? ना ना आप आपन बात करे रहनी है। इट्स नॉट दैट सिंपल। अभी तो कहनी कुछ ना, आप बोली ना, बोली ना का बोल गिरे? हम बोलत रहनी के कि आप इतना घबराए मत, अब समरा आंख में देख के बोल दी हमकी बुरा ना लगी, शायद हमके अच्छा लगे। आँख में देख के बोल दी बिना सोचले? बस बस ना, और भी बोले के बा? बस एक बार ही रुक जाए तू एक काम करा,
तू नहीं करके पानी में डाल देना तो सूख जाएगी। ये कहे के रहल और भी बोले के बाद पानी बदल रहिया ना तो वो से ना ही दो दिन तक फ्रेश रही। ठीक बा। अरे अभी तू एक नंबर की इडियट बड़े तोरा सामने खड़ा रहली तो बोल देते एक बार। अरे का कनिया हम ना हम पलट नहीं ना तो आप कहत रहनी ना हम पलट पलटत बानी आप बोल दी। ठीक बा फिर से ट्राई करत बानी। बोली हजारों लोग के सामने लव सॉन्ग गाए ली और एगो लड़की के सामने लव कन्फेस ना कर पावल प्यार कई मुश्किल होखेला का प्यार बतावल उसे भी ज्यादा मुश्किल होखेला काहे कि प्यार दिल से करल जाला गाना गला से गावत जाला गला के आवाज केहू भी सुन सकेला लेकिन दिल दिल के आवाज सुनने में मुश्किल होखेला ना। आप बोल दी ना का भइल मशीन लागल बका कान में तू दिल के बात कैसे जान गई ना जलनी ना तो हम मन के पास सुन लेती दिल की बात ना सुन सकेंगी। बता दी बोल दी ना डबल बैटरी का हमार मतलब तोहार चश्मा के ग्लास पे ना लाइट रिफ्लेक्ट होत पाई खातिर ये आंख ना देख पाता नहीं। अब बोल तो हमके बोले के रहे के हमके ही बोले के रहे के हम गा के सुना नहीं का मतलब हमके जौन बोले के बा हम सोचता नहीं कि हम उ तोरा गा के सुनाई लेकिन प्रॉब्लम ई बा के हमके धुन याद बा लिरिक भूल गेल बानी तो एक काम कर जाए ना तू हमार मन के बात जान लेवे ना तो हम तोरा धुन देतन तू लाइन सपन लगा लिया आप प्लीज टिक 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 तेरे आगे ओ जान टिक 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 ना ऐसे ना हो कि दिल के बात बताइए ना कि वो बतावे चाहत बनी लेकिन नर्वस होता नहीं है इतना नर्वस तो हम पहला कॉन्सर्ट में ना भइल जितना आप बोले में होत बा बड़बड़ आंख दिखावे वाला आग में आग डाल के आग ना कर पावत बा पता बे इतना आसान ना हो खेला ही प्यार वाला बात कहल प्यार तक पहुंच गेल बानी तब पीछे मत हटी दिल के बाद दिल से कह दी दिल के बाद दिल से बोल दी कुछ ना सोची बोल देता नहीं ना फिर पता भजब हमनी के बीच में पहले सब कुछ ठीक ना रहे ना तो हम हमेशा तरह से दूर रहत रहनी लेकिन जब से सब कुछ सही हो गेल बता तरह से दूर रहे के मन ना करेला मन करेला कि हमनी दोनों एक हुई और हमनी के अलावा केहू और ना होखे पूरा दुनिया ही कमरा की तरह सजल रहे और अच्छा रहे। अब जब तहार नाम सुने ली ना प्रज्ञा अभिषेक मेहरा तब बहुत अच्छा लगेला ऐसे लगेला कि अब जाके हमार नाम कम्प्लीट भइल बा आई फील प्राउड। पहले हम ना जानत रहनी के ई प्यार का होखेला ना मानत रहनी हम ई शादी वादी में कुमकुम मंगलसूत्र ई सब देख के लागत रहे कि जैसे ही सब बेड़ी बा अगर एमे इंसान घुस जाए ना फंस जाए तो जिंदगी भर फंस जाला ऐसे निकल ना पावेला लेकिन तहरा साथ रहे के बाद हमके पता चलल बा के ई बेड़ी ना जबकि बंधन बा जे जिंदगी भर साथ रहेला ई डोर से तो हमनी के दादी बनले रहनी लेकिन जौन एक और डोर बा जैसे तू हमके बनले बाड़ू प्यार के डोर तू हमके इतना प्यार देले बाड़ू ना के प्यार का होखेला हम तोहरा वजह से जनले बानी ई खातिर हमार दिल हमार फीलिंग्स हमार सांस तोहरा से जुड़ चुकल बा तू समझे तारू ना हम का कहता नहीं चौना तरह तू हमके प्यार करेलो ना बस जिंदगी भर वैसे ही प्यार करत रहा हम भी तसे वैसे ही प्यार करत रहा आई एम सो लकी कि आई गॉट यू तू हमरा जिंदगी में आयल बाड़ू हम तोरा से प्रॉमिस करत नहीं कि हम तोरा से जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करब तू भी बस हमरा ऐसे ही जिंदगी भर प्यार करत रहा प्लीज लव मी अगर तू हमके प्यार करबू तो बस हमके वही चाहिए और अगर तू हमके प्यार ना केलू तो हम जिंदगी भर आपके साथ आपसे प्यार करत रहा हमके याद बाज के दिन आज आप
दिल के बात कह ले रानी, और जिंदगी पर हम आपके साथ रहेंगे। तू साथ रहे के वादा कह ले रानी, फिर भी आज हमने साथ नहीं की। तू सामने बाड़ू पर हमार नहीं खो। आज के दिन हम तोहरा प्रपोज कर ले रहे और तू ओकरा एक्सेप्ट कर ले रहे। अगर आज हमके पता चल गई कि तू किंग के वाइफ नहीं खुना, तो ये दिन तू वजह से हमेशा हमके याद रहे। पहला वजह, तू हमसे वादा कर ले रहे। दूसरा वजह, तू वादा के हर हाल में निभा हमार प्रज्ञा बन के। हाँ मिस्टर सिंह। हाय प्रज्ञा, हम तोहरा रूम में बानी, तोहर पासपोर्ट ढूंढ रहल बानी, हमके मिल नहीं के रहल। आपके हमारे पासपोर्ट काहे चाहिए? एक्चुअली हमने घर में दुगो ऑफिसर साइल बड़े इंडियन एम्बेसी से। तू लोग के शक बाकी शायद हमने इंडिया में ओवरस्टे करल बानी ता। वीजा, पासपोर्ट और फैमिली डिटेल्स देखल चाहत बड़े। अगर हमने अपन वीजा ओवरस्टे करल बानी तो वीजा मंगिए ना, पूरा फैमिली के पासपोर्ट काहे मंगिए? हाँ हम ये बात भी कहनी, पर वो लोग कहले कि इंडिया में ऐसा बहुत सा केसेस बा जहाँ लोग बाहर से आवेले, इंडिया लड़की से शादी करेले और फिर यहाँ अकेले छोड़ के चल जाले। एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड नो कि हमकी शादी भइल बा कि नहीं भइल। मिस्टर सिंह, ऐसे लोग अमेरिका में करेले ग्रीन कार्ड खातिर, इंडिया में ऐसा क्यों करे तो की हम ना सुन। हमके लग रहा बा कि बिकॉज़ आई एम अ सेलिब्रिटी, यही से केहू ऐसा करवा रहा बा उनका से। शायद कोनो कंपटीटर उनसे कंप्लेन कइले होखी हमके परेशान करे खातिर, ताकि हमार फोकस काम से हटके इन सब चीज पे लग जाए। की हो सकेला जा आपकी परेशान करे चाहिए? हमके एगो बात बताओ, तोरा लागेला कि वो पासपोर्ट दिखाई? अरे यार, चाबी तो हमने भर देले बानी, अब ओके वैसे ही करे के चाहिए जैसा हमने कहले बानी। और ओके फेक शादी की लिस्ट में भी डाल देले बानी, तो अपना आपके नसन प्रूफ करे खातिर ओकरा सारा पेपर्स दिखावे की ही होखी। और जब वो सब कुछ ले आई तो हमने उसे ऐसा सवाल पूछा जो सोचले भी ना होगी। गुड, पर वो अभी तक आयल का है ना? बस आते होगी यार। अरे यार, हम तो बोला था नहीं कि पासपोर्ट और वीजा के चक्कर छोड़। कुछ ऐसे बोल की ओकरा जबरदस्ती बोले के पड़े कि वो प्रज्ञा से शादी ना कर ले पा। अरे ऑफिसर बना मानी लॉयर निकी बना की कटघरा में खा करते, उसे सवाल पूछल जाए शक हो जाए ओके यार। तू समझना यार, थोड़ा जौन करे के बाद जल्दी कर, अब हमसे रहल नहीं खे जाते। पता हुआ प्रज्ञा के देखने के बाद हमके वो दिन याद आ गए जब हम पहली बार प्रज्ञा से अपन लव कन्फेस कर ले रही। कहा बताई तो सही, कैसे आप प्रपोज कर ले रहनी उनका? अरे तू लोग अपन काम पे कॉन्सेंट्रेट करा ना, कब कह ले रहा। तू लोग एक बारी ये मिशन सक्सेसफुल करब, फिर ओकरा बाद गुड न्यूज कहिए और हम तू दोनों के अपन पूरा लव स्टोरी के सब कुछ सुना दे। एक्चुअली अगर लक अच्छा भेल ना, तो तू दोनों के सामने लाइव प्रपोज करब। थैंक यू। चला फोन रखा तारी। ये किरा से बात करा तारी? मिल गए। हाँ फाइल हुए हुए बा। पता ना काई ये लोग हमके ठीक ना लग रहल, बड़ कुछ अजीब लग रहल बारे। प्रज्ञा, ना ही हमने कुछ गलत किले बानी, ना ही हमने कुछ गलत करे वाला बानी। तो हमने के साथ गलत काहे आके? ना ही हमने ओवर स्टे कर रहल बानी इंडिया में, ना ही हम कोनो और लड़की से शादी करे वाला बानी। ओके दे आर वेटिंग, आई शुड गो। ओके ध्यान रखिए प्लीज। हर रुमाल बहुत पुराना तरीका ना बा फ्लर्ट करे के, कोनो नया तरीका लेके आई? अरे जे पहले ही हमार सपना में खोइल होखे, ओसे का फ्लर्ट करे के? कौन से सपना? हमके पता बा आज भी तोरा वो दिन याद बा जब हम पहली बार तोरा प्रपोज कइले रहे, तब शर्मा के नजर झुका के तू हमार प्रपोजल के एक्सेप्ट कइले रहे, याद बा तोरा के? हम कोनो प्रपोजल एक्सेप्ट ना कइनी, और आपकी सकल से पता चल रहा है कि आप सिर्फ बात बना रहे हैं। अच्छा, हमारा चेहरा देख के साफ पता भी चलत बता रहा है। ओ, चश्मा जो हट गया था,
अब ग्लास नहीं के ना ये खातिर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं के हो सही बोला तनी ना हम डबल बैटरी अब हम डबल बैटरी ना बानी ओए डबल बैटरी सिंगल पार्ट चुप हां हम देख ले बाप के हम बता रहल बानी वही तो ना करत तारू तू तो ना दिन सही से देख लेबू ना हमेशा खातिर हमार बन जाइबू हमरा अंदाज में आज भी वो जादू बा ओ जादूगर हटा पीछे का हो गई अरे तो क्या हमार रुमाल दिखत ना बाका चश्मा लगा ले बड़ा का ये आपके रुमाल बा हां अरे जादूगर सरदार जी आप लोगन खातिर पानी जितना पानी पिए के बा पी लीजिए आज थैंक यू जी थैंक यू चाय वो तो पूछ ली ना तो पानी से ही काम चलावे के होगी फाइल चेक कर लीजिए फाइल चेक कर जाओ बार बार हमनी कहे दिखल बड़ी कहीं के हमनी पे शक तो नहीं होगी ओ चाची जी हाँ जी आप किंग के का लागनी चाची जी किंग के चाची लागनी सही जवाब आपके एकरा खातिर मिलेला कुछ ना बड़ा जोकिया टाइप के बारे हाँ जी आप कुछ काम धाम तो करत हो कब जी निगरानी के काम करे नी ओ जी नागरानी निगरानी अच्छा जी बड़ा जोकिया टाइप पड़े बाकी डिटेल्स इन द फाइल पी ली पहले चाची मेलविन कहाँ बा हम कहा रनी इनका से नकली दाढ़ी मूछ लगा ली कपड़ा बंदला से छोट दाढ़ी बढ़ना लगी लेकिन हमार सुने ले कहा और अभी कपड़ा भी खिसक गई कहीं किंग इनका देख ले लस्ता Daddy. Everything okay with the file? अरे अरे पानी चेंज करनी रुक 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 हम ठीक कर दवानी हम इलाज कर दवानी आपकी ओ चाची जी का कर रहल बानी ओ हमार अरे आप अरे मार दो ना ठीक हो जाए हो गई जी अरे ना अभी कहां हो गई जी हो एक बार और अरे चाची चाची ये जानबूझ के संभलस ना पैर से मरलस ओ कब से करल बाड़े कि ठीक बा फिर भी आप मरले जा रहल बानी ऑफिसर के पीछे कहो ऐसे भागेला चाची ये दोनों ढोंगी बाड़े गौर से देखा ही दोनों के अरे बाबा ओकेले ढोंगी ऑफिसर तो केवल नकली ओकेले हां जी किंग तो सुन ला ये खुद करल बा कि नकली बा ओ जी हैप्पी जी के कहे के मत बल बा कि आप जी ऑफिसर के ढोंगी ना कह सके नहीं जेल हो जाए आपके हां जी अच्छा हम अभी पुलिस की बुलावत बानी हम खुद होके जेल करवाए किंग नंबर मिलावा पुलिस के नंबर मिलावा चाची आप अंदर जाइए अपना पैर पे कुछ लगाएं और वो आराम करें इज वेरी स्मार्ट तो कि तो हमेशा हम ही गलत लगेनी ढोंगी सरदार दवाई लगा ले जरा एक तो आपके चाची ना चीचा बहुत करेली अब पेपर लाएं जरा हां जी मिस्टर किंग सिंह आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क यू या गुड आपके घर में जब प्रज्ञा जी रहेली आपके वाइफ बाड़ी तो जी आई नोटिस दैट हर सरनेम एंड योर सरनेम डोंट मैच व्हाई सो जी दोनों बात ना लगती जी हो गेला जी हो सकेला कि पासपोर्ट शादी से पहले बना लोके तो मिस्टर किंग थोंग जी किंग सिंह हाँ जी तो मिस्टर किंग सिंह जी आप एको काम करी आप अपन मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दी हमनी के हाँ जी हमनी के सब क्लियर हो जाई और क्लीन चिट भी मिल जाई काहे जी एब्सोल्युटली जी सही बात आई एम सॉरी मैरिज सर्टिफिकेट तो हम ना दिखा सके वाई जी वाई शादी तो भइल बा ना मैरिज सर्टिफिकेट तो होके के चाहिए आपके पास हां जी वो ऐसा बाकी प्रज्ञा और हम शादीशुदा नहीं हैं सिर्फ जस्ट मैनेजर हां
अंडरस्टैंड आपके जे ई चाची जी बाड़ी इत कहत रहली कि आप हस्बैंड एंड वाइफ बाड़े और जी आई एम वेरी एक्साइटेड यू सी आप जब पेपर लेवे गईल रही तो हम अपन मोबाइल में आपके इंटरनेट सर्च करनी जी आप तो अपना आपके हस्बैंड एंड वाइफ इंट्रोड्यूस करनी जी सोशल सर्कल्स पे ऐसा का है। ओके, कुछ साल पहले प्रज्ञा के लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आई रहल जेकरा वजह से ओके हमार नाम के जरूरत रहल एज अ हस्बैंड ओके सोसाइटी में दिखावे के रहल कि वो एगो मैरिड वुमन लेकिन शादी ना करे के रहल सो का रीजन रहल वो पर्सनल बा ऐसे हम ऊ ना बता सके पर ये सच बा। थैंक गॉड किंग खुद बोल देलस कि प्रज्ञा दी से उनका शादी नहीं खे भाई अभी जीजू खातिर कितना बड़ा न्यूज बा। जी, हाई फाइव फॉर योर ऑनेस्टी जी। आपके सारा डॉक्यूमेंट एकदम क्लीन चिट क्लियर। ओ जी, हमनी के लागत बना कि हमनी रवा बारे में गलत सुनले बानी। अब आपके मुँह से सच सुनली नहीं, हमनी के होगी तसल्ली। सॉरी टू ट्रबल यू। एंड थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन। यू आर वेलकम। और चल जा लक्की जी। जी हाँ जी। थैंक यू जी। सॉरी। ये आपके फाइल। चली जी। थैंक यू। बाय जी। अब एक्टर थोड़े ना बानी जितना आवत रहे उतना कही नहीं बट आई विल इम्प्रूव। तू दोनों बहुत अच्छा कही ला। मम्मा हम अच्छा कही नहीं ना लेकिन सनी बहुत खराब कही ला। ओके अपन लाइन से ना याद आवत रहे लाइन हम ओके बतावनी बार बार याद दिलावे के पड़त रहे कि तू हमसे कुछ कहे चाहत पाड़ पर ये बोलल ही ना फिर बिना प्रपोजल सुने कोनो प्रिंसेस हाँ कैसे बोली फिर भी हम एकर प्रपोजल एक्सेप्ट करनी काहे कि हमके पता रहे कि प्रिंस सिंड्रेला से बहुत प्यार करेला। लेकिन मम्मा अगर आप हमरा जगह होकती तो ये जान के भी कि प्रिंस सिंड्रेला से प्यार करेला आप हाँ ना कहती ना। दिल के बाद दिल से कह दी। दिल के बाद दिल से बोल दी। हाँ बोलती। रियली? आप एक्सेप्ट कर लेती? हाँ, लेकिन तब जब आपके पता होके कि प्रिंस आपसे बहुत प्यार करेला। और सनी, यू आर वेरी गुड। देखा तू ही भुला गईला के तहा लाइंस का रहे पर तू ही ना भुलेला के तू सनविला से प्यार करेला। खातिर तुहार फीलिंग्स तारा साथे रहे जोन तारा आंख में साफ नजर आवत रहे। ये खातिर तू लोग जोन भी गईला अच्छे के आगे से और अच्छा करी है कहे कि तू लोग जोन भी करवा ना अब के बाद दिल से करवा। कम ऑन बेस्ट ऑफ लक्स। याद रखिया प्यार होके या सीक्रेट हमेशा सच बोले की चाहिए। चला हमनी की देर हो रहा बा। ऑल द बेस्ट कम ऑन गो 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 कम ऑन। ये प्रज्ञा तो कबो सच ना बोले काश दिशा और गुरत सच के पता लगा ले। यस 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 डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका आराम से अभी हमने उनके एरिया में बैठल बानी कि वो देख ली। अरे की फर्क पैदा है जो हम देख के आरल बानी ना ओकरा बाद हमके दुनिया के कोनो परवाह नहीं के। थैंक यू सो मच दिशा आज तू प्रूफ करे दिलो कि प्रज्ञा दी मैरिड नहीं की और वो अभी के रहली अभी के पाड़ी और अभी के ही रही हैं। यस 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 फोन फोन ओ या यस आई न्यू इट कि हम खुशी के मारे पागल होता नहीं। प्रज्ञा हमसे अपन रिश्ता न तोड़ ली हमसे दूर रहली लेकिन हमसे अलग न हो ली। वो हमारा नाम की कुमकुम ना लगे ली लेकिन हमारे नाम से जुड़ल रहे हमारे प्यार के ओकर याद के खुद से जुड़ल रखी जे हमनी के रहे ना ओकरा कबो केहू के साथ शेयर ना के ली।
हाँ ओकरा लाइफ में जौन हमार जगह रहे केहू और के दिल लेकिन ओकरा दिल में हमार जौन जगह रहे केहू और के ना दिल हम के यकीन नहीं खुद के हम ही सुनता नहीं। अब हमके पता चलल की प्रज्ञा शादी शुदा नहीं की अब ओकरा वापस लावे से हमके केहू भी ना रोक सकेला प्रज्ञा भी ना अगर वो हमके रोके की कोशिश कैली तो हम ओकरा से पूछब के नो 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 चीचू आप प्लीज प्लीज दिस से लड़ब ना और प्लीज उनका से भी मत पूछब की वो ये सब झूठ काहे बोल ली हो सकेला ना मजबूरी में बोले होगी तो आप ऐसा पूछा की का मजबूरी रहे जेकरा वजह से ये सब कुछ करे के पड़ल त बेटर साउंड करी ओके अरे ना 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 लड़ब हम ओकरा से अब हमनी के बीच में कोनो लड़ाई होई ही ना अब होई तो सिर्फ प्यार बस प्यार भरी बातें करब हमनी सिर्फ एक सवाल करब ओकरा से हम के हमरा बिना रहल कैसे अगर वो जवाब देली तो ठीक लेकिन हम ओकरा पे चिल्लाइब ना डांटब ना कुछो ना करब हम ओकर आंख में ना कबो आंसू ना आवे दे इतना खुशी देब इतना खुशी देब कि ओकरा बीतल 7 साल कबो याद ही ना आई याद आई ना तो सिर्फ हमनी तीनों से जुड़ल याद प्रज्ञा क्यारा और हम जग्स आर यू ओके ए ही सनी आज कुछ मत पूछ आज हम तोरा कुछ ना बताए भाई ओके पर कुछ तो बताई आज आप हमके बहुत अजीब लग रहल बानी रो भी रहल बानी और हंस भी रहल बानी एकरा मत देखना तू हमरा के देख 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 कितना खुश बानी हम इतनी खुशी हो रहल बा के हम कंट्रोल ना कर पा रहल बानी और ये आंसू बन के बाहर आत बा आई एम वेरी हैप्पी और नाची आई एम वेरी वेरी हैप्पी डार्लिंग बहुत खुश बानी हम थैंक यू बोला थैंक यू तोहरा बोली हमके ना गॉड के क्यारा बोले ले कि जब भी आप बहुत खुश होगा तब गॉड के थैंक यू बोले के चाहिए काहे कि उहे आपके लाइफ में खुशी लावे ले तब गॉड के थैंक यू बोला वो आपके खुशी डबल कर दे है अभी बोली अभी खुश पानी तभी बोलता ना अच्छा पर यहाँ पे टेम्पल कहाँ बा हम रिसेप्शन के पास देख ले रहे चल तू भी चल हमारे साथ तू कहा ना हमने डबल थैंक यू बोला तो खुशी ट्रिपल मिली ओके Let's go. Up. Ural Temple. Agil Temple. अब बोला God के thank you. तेरा सामने? हाँ तब हम दोनों के एक साथ ही thank you बोले के बा. तब बोला हमरे साथ. हमके पता बा भगवान के नाम आने नहीं. यही खातिर हमरा सामने thank you बोले में शर्मा रहल बानी. Okay fine. हम अपन थैंक यू बोल के निकल जात बानी तब तक आप थैंक यू बोल दिए हैं दैट्स लाइक माय बॉय ठीक से बोलिए चक्स ओए तू भी बोल के जा चल आई थिंक हम दुनिया से झूठ बोल सके ली पर आप से झूठ ना बोल सके ली के हम आपके ना मानेंगे मुंह से कुछ भी बोलनी लेकिन दिल के कोनों कोना में थोड़ा जगह आपके खातिर भी बा ये खातिर थोड़ा ही सही पर आपके माने ली जरूर और शायद यह वजह बा कि 7 साल बाद ही सही पर आप हमके हमार खुशी वापस दे ले बानी बस वह खातिर थैंक यू बोले आयल बानी अब जौन खुशी दे ले बाड़ा ओकरा वापस मत लिया कोनो सजा दे दिया पर वो दिन दोबारा मत दे लिया मिनट हम ना हम अपन होमवर्क के बुक टीचर के पास ही छोड़ देनी हम लेके आवत बानी आपके ऐसे भगवान के सामने हाथ जुड़ल देख के अजीब तो लग रहा लेकिन बहुत खुशी हो रहा अजीब कहे
अब भगवान के ना मानत रहनी ना। ऐसन का हो गल जी आप माने लागल। देखा तू ये जानत रहलू के हम भगवान के ना माने, लेकिन ये कबो ना जान पहलू के तहरा वजह से हम भगवान के माने लागल बानी। आज भी तू हमरा के हाथ जोड़ल देख लेलू, पर ये ना जान पहलू की ये भी तहरा वजह से भइल बा। वजह जान के इतना खुशी ना भइल, जितना खुशी ही जान के बल्कि आप भगवान के थोड़ा बहुत माने लागे ने। हमके अफसोस हो रहल बा। अफसोसी बात के हो रहल बा कि हम तरह तरह प्रे ना कर सकेली, जैसे तू करेलु ना वो थाली में मतलब दिया जला के ओकरा में फूल आरती करके जौन तू थाली घुमावेलू, वैसे हमके भी करे के बा। हम आपके आरती करे के बा पूरा हो जाए। देखी ई रहल थाली, वो रख देनी और फूल, फूल हम लेके आ जाए स्कूल के जरूरत बा ना, वहाँ बहुत सारा प्लांट्स बा। क्यारा बाहर जाके का जरूरत बा, हम अभी लावत बानी। अरे क्यारा क्यारा तू, अरे अरे हम अभी आ रहल बानी। बात काहे ना सुने लगी क्यारा, वहाँ मत जाइहा। अरे